मिट्टी प्रकृति का एक ऐसा उपहार जो मात्र हमें जीवन ही नहीं देती बल्कि बेहतर जीवन जीने का संदेश देती है। मिट्टी के अनेक रूप किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। ये मिट्टी ऊपरी परत पर मिलती है। मिट्टी की ये परत आरंभ में ऐसी नहीं थी जैसा कि हम देखते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों से टूटकर बारीक कण के रूप में मिट्टी को अपना ये रूप धारण करने में हजारों लाखों वर्षों तक यात्रा करनी पड़ी। इसमें पेड़ पौधों के अंश तथा जीव जंतुओं के अंश भी मिले हुए हैं। नदियाँ पहाड़ों से कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं। ये कंकड़ पत्थर नदी के तेज बहाव के साथ घिसते घिसते छोटे छोटे हो जाते हैं। इसके मोटे कणों से बनती है ये कंकरीली या बजरीली मिट्टी। और भी बारीक होने के बाद छोटे छोटे कण बालू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनका उपयोग मकान तथा पुल आदि बनाने में किया जाता है। बालू के अतिरिक्त मिट्टी के महीन कण बलुई मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे सामने मिट्टी के जो बर्तन आते हैं, इन बर्तनों के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी काम में आती है। एक तो इस मिट्टी के कण बलुई मिट्टी से भी महीन होते हैं, साथ ही इस मिट्टी में पानी में घुलने वाले खनिज पदार्थ भी मिले होते हैं, जिससे ये मिट्टी चिकनी हो जाती है। इसीलिए कुम्हार जिस मिट्टी से बर्तन बनाता है उसे चिकनी मिट्टी कहा जाता है। प्रकृति जहाँ बलुई तथा चिकनी मिट्टी को एक में मिला देती है, वहाँ की मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियों के मिलने से एक अलग प्रकार की मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। इस मिट्टी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी में वनस्पति के सड़े गले अंश भी मिले होते हैं, इसलिए मिट्टी उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी गंगा, यमुना तथा अन्य नदियों के मैदानों में पाई जाती है। हमारे देश के दक्षिण पठारी भाग की मिट्टी इसी क्षेत्र की चट्टानों के टूटने तथा घिसने से बनी है, इसलिए मिट्टी काली होती है। हमारे देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में इस तरह की काली मिट्टी पाई जाती है। काले रंग की ये चिकनी मिट्टी बारीक कणों की होती है। इसमें पानी काफी समय तक रुका रहता है, इसलिए इस तरह की मिट्टी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस मिट्टी में वनस्पतियों के अंश, घुले हुए खनिज काफी मात्रा में मिले होते हैं, इसलिए मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। इसी कपास से रुई का उत्पादन किया जाता है। पठारी भाग के लगभग समस्त पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र में जहां तहां लाल या पीले रंग की मिट्टी पाई जाती है।
लोहे के अंश से युक्त इस मिट्टी की तह पतली होती है। इस प्रकार की मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में पाई जाती है। इन क्षेत्रों के निचले भागों में जहां मिट्टी की परत पतली होती है वहां बाजरे की खेती होती है। और जहां मिट्टी की परत मोटी होती है वहां धान की खेती होती है। और ये हल्के लाल या पीले रंग की मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। मोटे कण वाली इस मिट्टी में पत्थरों के कण मिले होते हैं, इसलिए ये लाल मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है। इस लाल मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट या लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट, दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम तथा कश्मीर के कुछ भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा का पानी मिट्टी के बारीक कणों को बहा ले जाता है, इसलिए इन स्थानों की नदियां की घाटियां पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती हैं। भारत में चाय तथा कहवा की फसल के लिए मिट्टी काफी उपयोगी होती है। हमारे देश के पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिणी पंजाब के कुछ भागों में मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। इनमें बालू की मात्रा अधिक होती है। पानी की सुविधा होने पर इसमें खेती भी की जा सकती है। मिट्टी हमारे लिए फल, फूल, अनाज, वस्त्र सब कुछ उपलब्ध कराती है। हमारा सबका ये दायित्व होता है कि हम लोग मिट्टी का संरक्षण करें।